प्रमुख सियानों और ग्राम के पटेल के समक्ष कुछ आरोप प्रतिरोप लगाए गए हैं। वो प्रतिरोप पूरा सामान्य गलत है कि वो उसका कोई मामला नहीं है, ना गांव में कोई उसका हुक्का पानी बंद नहीं किया गया, ग्राम में सभी दुकानों से लेन देन चलता है, शासकीय कोटवार है गणवीर कोटवार, हीरालाल नाम है उसका, पूर्व नाम हीरालाल है, और उसका जो शासन के प्रकरण जो पटवारी तहसीलदार जैसे भी जाता है वहाँ सब गांव वाला कोटवारों को पंच पटेल पूरा साथ देता है। आरोप लगाया गया ये गलत है। राधाबाई जो गांव की बेटी है वो बाहर रहता है, यहाँ का गांव बखुटला का निवासी नहीं है, और बेमतलब कर गांव वालों के ऊपर कटाक्ष लगाया गया ये गलत है। इनका जो मामला पिछले साल दो साल भर के मामला था, वो समाज की लड़की है सहू समाज को, उसको ले गया, ले जाने के बाद गांव में कुछ तरह के समझौता कराया गया, फिर भी उसका युवती युवतों का उम्र हो गया था, उसको हिंदू धर्म को मानता नहीं, गांव के देवी देवताओं को गाली गलौज करता है और गांव वालों को पूरा दबाव पूर्वक करता है। तो ये गांव वाला का आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, बार बार आरोप प्रत्यारोप लगाता है, ये गलत है, इस टाइप का काम नहीं होना चाहिए। और मैं इतना कहेगा प्रवानी को यही बात देता हूँ, हिंदू देवी देवता को नहीं मानता कौन कथे, हिंदू देवी देवता को कोटवाल नहीं मानता, हमारे गांव वाला को गाली गलौज करता है कोटवाल। सब पिछले समय सब हो गया था, पिछले समय का शांति प्रकर हो गया था, उसके बाद में अभी गाली गलौज कर रहे थे। हम लोग कहे भाई आप वैसे मत करो जी, हम उसको बोलते हैं ऐसे इस टाइप के मत करो, बेमतलब के गांव वालों को परेशान मत करो, आपका बात हम मानते हैं, आपके साथ हम पटवारी आ रहा है तहसीलदार आ रहा है आपके साथ जा रहा है, बेमतलब के हमको परेशान मत करो, और कटाक्ष आके यहाँ जितने भी आरोप लगाए हैं ये बुनियाद निराधार है। और ये जो प्रागा भाई है वो तो प्रापत गांव का निवासी ही नहीं है, तो हम उसको कहाँ के प्रतिबंध लगाएंगे, हम उसको किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं, अपना बाप घर आता है मर के और चला जाता है। मैं देवांगन सर था जो वाले के आई, तो के आई बोले कहाँ जा रहा हूँ सर, ऐसे बोले लेकिन छुए नान गांव जा रहा हूँ सर, देश के अंदर 1 बजे है मेरा तो जाना जरूरी है। अरे यार थोड़ा मामला यही निकाल सर, ये लोग तो यहीं चले गए हैं, तो मैं भी अपना जवाब दे कर आ रहा हूँ। इसी जो कर क्या है देवांगन सर, कहाँ नाम पर नाम नहीं जाता सर, जो पीटी हुई है देवांगन सर, थाना छुरिया आएगा ना, थाना छुरिया है और अपना चौकी है ना, जो चौकी है, चौकी है चौकी क्या धनंजय, हाँ धनंजय धनंजय साहू मैं गुलशन नाम होगा ना, मैं गुलशन सोचना बात करने के वजह है जिससे कल प्रागा भाई ने हमारे खिलाफ आरोप लगाया है वो गलत है। वो आरोप है हमने एक साथ रहा था गांव में शांतिपूर्ण ढंग से, कोई प्रकार के कोई दांव दबाव नहीं है, किसी प्रकार के हुक्का पानी किसी बंद नहीं है, सब शांतिपूर्ण गांव में है, और जो आरोप लगा रहे प्रागा भाई वो गाँव का निवासी ही नहीं है, वो गाँव का निवासी नहीं है, वो हमारे गाँव का, वो गांव का बेटी है। तो ऐसे क्या कारण है कि आप एक कारण ये सर, कोतवाल हम लोग हटाने के लिए तहसील में आवेदन दिए हैं और शांतिपूर्ण तहसील में चल रहा है वो प्रक्रिया। क्यों हटाने के लिए आवेदन दिए थे आप? गाली गलौज देते हैं कोतवाल, किसको, गांव वाले को, क्या तुम्हारे कान में आवाज़ नहीं आता क्या, तुम शोक रहते हो क्या, कोई कोई बुलाने भेजते हैं तो नहीं मानता। आज भरना सर पूरा 50% भरना ही पटा है गांव में, अभी तक भरना 50% पटा है, आधा किसान किसानों का अवगत नहीं कराता, आज मैं अपना पैसा से भरना पटाया हूं, इस वजह से हम कोतवाल को हटाना चाहते हैं। नाम बताइए। रुपेंद्र कुमार साहू, ग्राम पटेल। कल जो प्रागा भाई दामले ने समस्त ग्रामवासियों पर आरोप लगाया कि उनका वो प्रताड़ित करते हैं, उसको गांव से बहिष्कार कर दिए हैं, ये बात बिल्कुल असत्य है सर, ये उसको किसी प्रकार के प्रताड़ित नहीं किया गया है। और रही बात तो 5 लोगों को जो गांव लोगों को दंडित किया ऐसे करके बोले, किसी प्रकार के दंडित नहीं किए हम लोगों को, ना ही कोई प्रताड़ित किया गया है, गाँव वाले सब जुल मिल के हैं सर,
किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है सर। ऐसा क्या कारण हो गया कि उनको प्रेस वार्ता लेना पड़ गया आप लोगों को? हम लोगों को वही है सर, गाँव वाले के ऊपर आरोप लगाए, हम लोगों के ऊपर आरोप लगाए तभी हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक के पहुँचे सर, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है सर। वही आरोप अलग है, मेरा नाम शंकर साहू है सर।